नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे onlyairway.com के इस YouTube वीडियो में। दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको नए नए अपडेट्स का पता लगता रहेगा। दोस्तों लाइक और शेयर भी जरूर करें, जिससे कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपका जो मित्रगण है, वो भी इन वीडियो से लाभ ले सकेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का टॉपिक। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं सांडे के तेल के बारे में, एक रियलिटी या सच्चाई। आपको अक्सर आपने देखा होगा कि कई बार कुछ लोग ज़मीन पर बैठकर उनके पास सांडे नाम का एक जानवर होता है, सांडा कहते हैं जिसको, उसको मार करके उसका तेल निकालते हैं, और अक्सर वो ये क्लेम करते हैं कि ये सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए या मर्दाना कमजोरी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। तो दोस्तों आज यही हम डिस्कस करने वाले हैं कि सांडे के तेल का असल में सच क्या है और ये कितना असरदार है या नहीं है। दोस्तों शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले तो ये बता दिया जाए कि ये जो तेल लोग क्लेम करते हैं कि जानवर को मार करके, उबाल करके या जैसे भी निकाला जाता है, इससे कोई सेक्स के दौरान कोई आनंद आता है या कोई इस तरह की कोई कमज़ोरी दूर होती है, तो ये बिल्कुल एक भ्रांति है, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे आपको तो पता नहीं कोई राहत मिलेगी या नहीं, लेकिन इससे दो चीज़ें ज़रूर हैं कि बेचने वाले की जेब भरती है और एक बेकसूर जानवर मरता है। तो दोस्तों सांडे के तेल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपको सेक्स में राहत दिलाए, ये एक आम तेल की तरह ही है, और आप इस भ्रांति में रहकर या इस वहम में रहकर तो इस तेल को बिल्कुल ही ना खरीदें कि आपको किसी किस्म का सेक्स के दौरान आनंद मिलेगा या कुछ है सेक्सुअल एक्टिविटी में आपको इसका कोई बेनिफिट होगा। दोस्तों सांडा एक जानवर है जो कि राजस्थान में पाया जाता है, सरीसृप यानी कि रेंगने वाला जानवर है, और ये राजस्थान के रेतीले इलाकों में पाया जाता है। लोग वहाँ जाकर के इन्हें पकड़ लेते हैं और इनको चोट पहुँचाकर इनकी कमर या हड्डी तोड़ देते हैं, जिससे कि ये चल नहीं पाते हैं। उसके बाद इसको ला करके ये क्लेम करते हैं कि इसको उबाल के हमने तेल निकाला है और ये आपको सेक्स में बेनिफिट देगा या ऐसा कुछ। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जानवर देखने में जरूर खतरनाक लगता है, छिपकली ऐसा होता है देखने में, लेकिन ये बहुत ही शर्मीला और बहुत ही सीधा जानवर है जो कि किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। और दोस्तों ये आजकल काफ़ी इसका जो काउंट है या गिनती है काफ़ी तेज़ी से कम हो रही है, और मादा जब प्रेग्नेंट होती है तो 15 से 20 अंडे देती है, जिसमें से आधे से ज़्यादा बेकार हो जाते हैं और कुछ ही अंडे जो है आगे जा करके बच्चों में बदलते हैं। तो दोस्तों आपसे ये रिक्वेस्ट है कि किसी किस्म की वहम में पड़ करके अपना पैसा ख़राब ना करें, अपना टाइम ख़राब ना करें, और जो भी इस तरह के तेल बेचने वाले लोग जो सड़क के किनारे बैठे होते हैं या कहीं और, तो उनको आप डिस्करेज करें। और आज के टाइम में दोस्तों ये सांडा जो जानवर है इसको मारना गैर कानूनी है और इसको विलुप्त प्रजाति घोषित किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो आपसे ये बहुत ही ज़ोर देकर के रिक्वेस्ट है कि आप इस जानवर को बचाने की कोशिश करें और कानून की मदद करें, और इस तरह के जो भी लोग उनको हार्डली डिस्करेज करें और इस तरह का कोई तेल ना खरीदें, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आपको कोई इस तरह की सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन टाइप की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए और बहुत सी दवाएँ हैं। आप प्रॉपर किसी डॉक्टर के पास जाएँ, उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताएँ और उसका प्रॉपर इलाज कराएं। तो दोस्तों आज का ये इतना ही मैसेज था आपके लिए, तो कृपया इस चीज़ का ध्यान रखें और इन नीम हकीम के चक्कर में ना पड़े। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से आयुर्वेद में बहुत ही खूबसूरती से हर चीज़ का हल, हर चीज़ का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। बस जरूरत है हमें उन नुस्खों को पहचानने की और उन्हें अपनाने की। मिलेंगे शीघ्र एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।